नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त मैं स्काई स्टेडियम में हूँ। आप इस वक्त देख सकते हैं तेज धूप खिली हुई है। जी हाँ, स्टेडियम बहुत बड़ा शहर में, जो वेलिंगटन का जो शहर है उसके बीचों बीच में है, जहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है पहला T20 मुकाबला खेले जाने वाला है। 3 मैचों की T20 सीरीज़ है। इस सीरीज़ में कई लोग बोल रहे हैं कि सीरीज़ की क्या ज़रूरत है, वर्ल्ड कप के सिर्फ खत्म होने के बाद तुरंत ऐसे अचानक ये सीरीज़ कैसे हो गई है। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुँची थी और दोनों टीमें सेमीफाइनल में हारी, दोनों टीमों से उम्मीदें थीं, और ये देखना होगा कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जो है वो थर्ड होती थी, क्योंकि दोनों टीमें सेमीफाइनल, तो एक तरह से देखा जाए ये सेमीफाइनल का होगा। तो ये मैं आपको सबसे पहले अपने पीछे की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये स्काई स्टेडियम है, कई सवाल हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो अपडेट देना चाहता हूँ, आप मेरे चेहरे पर खिली धूप को देखकर आप देख सकते हैं कि जो बारिश को लेकर आशंका जताई जा रही थी वो फिलहाल नहीं दिख रही है, और उम्मीद करनी चाहिए ऐसी बारिश रहे। हालांकि जब मैच जो शुरू होने का समय है, जो टॉस का समय है, उस समय ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बारिश हो सकती है, और अगर बारिश होगी भी तो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस होगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि भाई जो भी अपडेट रहेगा आप लोगों के सामने मैं अपडेट दूंगा। और अभी मैच शुरू होने में कई घंटे बचे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई इंडियन फैंस भी मेरे साथ इस वक्त मैं देख रहा हूँ। सर अपना नाम बताएंगे, कहाँ से हैं? बहुत पहले आ गए हैं सर, मैच शुरू होने वाला है। कैसे हो भैया? हाँ बताओ, गुड इवनिंग। कहाँ से हो सर आप? हम वेलिंगटन से, हम इंडिया से हैं। नौसारी। कहाँ पर? नौसारी जलालपुर। ओ क्या बात है। और आप सर? सेम, नौसारी जलालपुर। तो काफ़ी सीनियर लोग हैं हमारे, और ये भारत का झंडा लेकर आए हुए हैं, और हम साइन भी देख लीजिए, इनका फैंस हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं दोबारा आपके पास आऊँगा सर लाइव करने के लिए। ये देखे कमोन, हाँ बिल्कुल। तो हाँ मैं अभी फिर आऊँगा आपके पास। तो कई सारे जो फैंस हैं वो आए हुए हैं, खिली धूप के है यहाँ पर, आप देख सकते हो थोड़े थोड़े दर्शक। हालांकि न्यूजीलैंड के आपको दर्शक अभी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम कुछ लोग, अभी भी काफ़ी घंटे हैं। और ये आइकॉनिक जो है स्काई स्टेडियम है यहाँ पर, और मेरी इस स्टेडियम से बड़ी ख़ास उम्मीदें यादें हैं, क्योंकि पहली बार 2020 में मैंने YouTube पे जो लाइव अपना किया था इसी स्टेडियम से किया था। वो गंदा फ़ोन था, लेकिन मुझे इससे ये जगह याद है यहाँ पर मैंने। तो अभी अब से कुछ घंटे में बाद यहाँ पर नज़ारा बिल्कुल एकदम अलग आपको देखने को मिलेगा फिलहाल। लेकिन जो मैं और जिस चीज़ कहना चाह रहा था, प्लेइंग 11 को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। प्लेइंग 11 में ईशान किशन मुझे ओपन करते हुए दिख रहे हैं, ईशान किशन के बाद शुभमन गिल, क्योंकि इन्होंने नेट्स में बहुत देर बैटिंग की थी। तीसरे नंबर का सवाल काफ़ी अहम सवाल है, हुडा, सैमसन या अय्यर। मुझे लगता है शायद अय्यर ने पिछले कुछ मैचेस में रन बनाए हैं, और वर्ल्ड कप में एक समय प्रोबेबल्स में भी थे, तो शायद अय्यर खेलें। लेकिन हुडा और सैमसन की भी दावेदारी को नकारा नहीं जा सकता है, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि संजू सैमसन की दावेदारी नंबर 3 पे है या नंबर 5 पे है। लेकिन ऋषभ पंत को देखकर लग रहा है कि ऋषभ पंत के बारे में टीम इंडिया, जो ये नई टीम है उसकी अपनी ये सोच है कि भाई ऋषभ पंत को जो है निचले क्रम में खेला जाए, उस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाए। स्काई स्टेडियम इस वक्त हमारे पीछे में, हार्दिक पांड्या के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर आप देखा जाए कप्तान के तौर पर एक बड़ी सीरीज़ कर रहे हैं, और फ्यूचर की जो एक राह है जो है हार्दिक पांड्या की कप्तानी की, आपको यहाँ पर झलक देखने को मिलेगी। गेंदबाजों में बात किया जाए तो ये देखने वाली बात होगी कि उमरान मलिक को मौका मिलता है या नहीं। भुवनेश्वर खेलेंगे जो मुझे दिख रहा है, अर्शदीप सिंह खेलेंगे तीसरे सीमर के तौर पे, क्या उमरान मलिक आते हैं, हर्षल पटेल आते हैं, इंद या मोहम्मद सिराज आते हैं, इनमें से बड़ा दिलचस्प होगा। युजवेंद्र चहल स्पिनर के तौर पर ज़रूर खेलेंगे, युजवेंद्र चहल के हौसले बड़े बुलंद हैं और बड़े अच्छे मूड में दिखें। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, सेकंड स्पिनर कुलदीप यादव को लेना चाहिए, कुलचा की जोड़ी, कल मैंने देखा नेट्स पे ये लोग काफ़ी देर तक इन्होंने वक्त भी बिताया और बड़े अच्छे मूड में दिख रहे थे, तो क्या कुलचा की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी? VVS लक्ष्मण ने कहा कि हाँ भाई अटैक, मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि हाँ अटैकिंग दोनों रिस्ट स्पिनर हैं, अटैकिंग हैं, तो वो बड़ा देखने वाली बात होगी। विकेट कीपर में जाहिर सी बात है ऋषभ पंत खेलेंगे, तो विकेट कीपिंग ऋषभ पंत भी करेंगे। तो कुल मिलाकर जो युवा खिलाड़ी है, क्योंकि अगर आप देखा जाए वर्ल्ड कप की जो टीम के जो 5-6 खिलाड़ी हैं वो नहीं है इस टीम में, प्लेइंग 11 में नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, KL राहुल नहीं है, अश्विन नहीं है, दिनेश कार्तिक नहीं है, सो अक्षर पटेल नहीं है, तो लगभग 6 खिलाड़ी, एकदम ब्रांड न्यू टीम अगर देखा जाए तो बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू टीम जो है यहाँ पर खेल रही है। और 2024 के जो वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं उसकी जो नींव जो है यहीं पर डाली जाएगी। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और मैं आगे आप लोगों के साथ लाइव अपडेट करूंगा।
रवि शास्त्री ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। रवि शास्त्री ने कहा कि राहुल द्रविड़ को ब्रेक नहीं लेना चाहिए। कहना आसान है रवि भाई, बहुत सारी बातें, जब कोई सत्ता में नहीं रहता है तो उसको हमेशा विपक्ष में वही पार्टी की बातें अलग हो जाती हैं, सत्ता पार्टी की बातें अलग हो जाती है। राहुल द्रविड़ के बारे में आप तमाम चीज़ें आप बातें कर सकते हो, लेकिन ब्रेक का अगर उन्होंने डिसीज़न लिया है तो मुझे लगता है, मेरी ये राय है कि ब्रेक का डिसीज़न का सही डिसीज़न है ब्रेक, क्योंकि आप तीनों फॉर्मेट में नए नए खिलाड़ी को आजमा रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए कोचेस को भी तैयार कर रहे, एक्सपोजर दे रहे हो, और चूंकि ज़्यादातर खिलाड़ी हैं तो मुझे नहीं लगता है, थोड़े से रवि शास्त्री जो है हार्श हैं, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखा जाए बांग्लादेश की सीरीज़ में रवि शास्त्री राहुल द्रविड़ वहाँ पर होंगे, उसके बाद फिर 2 महीने की क्रिकेट बड़ी, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है, श्रीलंका के साथ सीरीज़ है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है, और फिर सिर्फ 2 महीने का ब्रेक, और फिर इंडिया ऑन लॉन्ग टूर वर्ल्ड कप तक है। तो लिटरली ब्रेक नहीं है, जैसे खिलाड़ियों को ब्रेक चाहिए उस तरह से राहुल द्रविड़ को भी ब्रेक चाहिए, उनके सपोर्ट स्टाफ को भी ब्रेक चाहिए। तो मेरी राय तो यह है, हो सकता है बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, यू आर फ्री टू डिसअग्री विथ मी बिकॉज आई डोंट थिंक कि आई हैव ऑल द नॉलेज एंड आई एम ऑलवेज राइट, बट दैट्स माई ओपिनियन एंड आई स्टैंड बाई माई ओपिनियन। सिमिलरली एक हमारे मित्र आकाश चोपड़ा ने भी कॉमेंट किया है कि भाई भारतीय टीम की समस्या ये है कि IPL में यही खिलाड़ी हर कोई top 3 में बैटिंग करता है, और इंडिया में आने के साथ उनकी भूमिका बदल जाती है, क्योंकि इंडिया में top 3 तो 3 ही है, अब हर टीम के top 3, तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो फिलहाल इन मुद्दों के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ और फिर आपके साथ लाइव में जुड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।